disco. सर जी आप कहाँ से हैं लेने स्टॉक? वैजापुर। वैजापुर में क्या क्या शॉप का नाम क्या सर अपने? मापारी कलेक्शन। मापारी कलेक्शन तो ये अभी हर बार आते माल लेने के लिए, अभी तक इतने बहुत बार माल लेके जाते हैं, पूरा महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से बाहर से भी आते हैं। हाँ अभी ये भी आए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो पूरा। दादा कुछ ना दादा पंडरपुर वरुण का, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो जैसे कि पंडरपुर से ये भाई अभी यहाँ से आए और ये सब इन्होंने पूरा स्टॉक वगैरह लिया हुआ है। तो सर जी कैसा लगा आपको यहाँ का कलेक्शन? कैसा लगा? अच्छा है हमेशा माल में कोई कंप्लीट वगैरह आती है? एकदम साइज वगैरह प्रॉपर एकदम सही है। और कलेक्शन दोस्तों कैसे पता है एकदम हिट कलेक्शन है सर का भी यहाँ पर। एक्चुअली क्या है जो ये जो मतलब साइड जो रीजनल टेस्ट जो चलता है ना वो काफी अच्छा बनाते हैं सर। हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चिंतन व्लॉग्स में। और दोस्तों आज का वीडियो ना काफी हैवी डिमांड पर आ रहा है। महाराष्ट्र के कस्टमर्स ने दोस्तों बहुत ही डिमांड की थी कि सर मैक्स होलसेलर को कवर कीजिए। सो दोस्तों आज हम आ गए मैक्स होलसेलर और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। और दोस्तों भाई को तो आप लोग जानते ही होंगे, काफी अच्छा फेमस चेहरा है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो हेलो सर जी, वेलकम आपके चैनल पर। तो सर जी क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? प्रथम तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि महाराष्ट्र से और महाराष्ट्र के बाहर से भी बहुत सारे लोग हमें मिलने के लिए आते हैं, माल लेने के लिए आते हैं, नया शॉप खोलाना है तो स्टॉक के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आते हैं। वैसे आज भाई आ गए तो मैं प्रथम आपका खूब खूब आभारी हूँ। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि मेरे पास रिटेलर मतलब पुणे में से बड़ा रिटेलर और होलसेलर हूँ मैं। मेरे पास रिटेल काउंटर भी और होलसेल काउंटर भी है जो किसी को शॉप खुलवाना है। अपने पास रिटेल काउंटर कितने रहेंगे सर जो अपने फ्रेंचाइजी के? एक टोटल 40 ब्रांच मेरी कंप्लीट हो गए। okay. और 6 ब्रांच का काम चालू है मेरे। क्या बात है, मतलब 250 बोलते ना जब तक हमारा वीडियो जाएगा तब तक हाफ सेंचुरी हो जाएगी सर रिटेल काउंटर्स की। और ये अपन सब खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सारा? यस, मतलब कुछ कुछ है जो हम खुद करते हैं और बाकी का ट्रेनिंग करते हैं क्योंकि इतना रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है ना तो से काम नहीं होता। सही बात है। हाँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि आज का जो वीडियो होने वाला है ना ये पर्टिकुलरली दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरा सर का होलसेल स्टॉक कवर करेंगे जो कि पूरा महाराष्ट्र और ऑल ओवर इंडिया जो स्टॉक जाता है इनका। और जो पर्सनल दोस्तों इनके रिटेल है वो तो थोड़ा सा मैं आपको आउटलेट दिखा दूंगा, बाकी बाहर अगर आप आना चाहते हो यहाँ पर तो रिटेल के लिए भी आप ले सकते हो और होलसेल का तो दोस्तों है ही पूरा भाई का काफी अच्छा सेटअप है। सर क्या क्या है अपने पास अगर वेराइटीज की बात करूँ? अगर वेराइटीज की बात करेंगे तो मेरे पास जेंट्स की पूरी एक्सेसरीज मिलेगा आपको, मतलब सॉक्स से लेते कैप तक। Okay. हाँ तो पूरा होलसेल माल मिलेगा। okay. उसमें सॉक्स आएंगे, लोफर सॉक्स, कट सॉक्स, उसके बाद चप्पल लोफर। अच्छा। उसके बाद ट्रैक पैंट, टी शर्ट, शॉर्ट्स, सैंडो, टी शर्ट, नहीं क्या कॉटन टी शर्ट, कॉलर टी शर्ट। उसके बाद आएंगे शर्ट में, तो शर्ट में डिजिटल प्रिंट, पैटर्न शर्ट, लिनन, पेपर खादी, सब लाइक्रा वगैरह, जींस। हाँ जींस में मेरा खुद का लेबल से आता है, मेरा खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है। और आर्मनी पैंट, आर्मनी में पॉपकॉर्न आर्मनी का आती है, वो सब मेरे पास होलसेल। मतलब एक रिटेल शॉप में जितनी वेरायटी चाहिए मिलेंगे। बढ़िया। तो सर जी ये जो अपनी कंपनी है जो मैक्स होल मैक्स के नाम से अपना कंपनी चलता है ना सर, तो ये इसको कितना टाइम वगैरह हो गया सर? इसको मतलब रिटेल का हो गया 3 साल अभी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा। और होलसेल में आ गए मुझे 2 साल हो गए। ओके बढ़िया। लेकिन सर दोस्तों मैं आपको बता दूं ना इतने कम टाइम में काफी अच्छा नाम है भाई का। और जो हमारे महाराष्ट्र के कस्टमर से होते दोस्तों सामने से कमेंट करके बताएंगे कि कैसा है, बिकॉज मैं भी यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र कवर करते, ऑल ओवर इंडिया से स्टॉक आते ना। अभी मुझे साउथ इंडियन से भी ऑर्डर आई थी, केरला में भी माल गए मेरा, कर्नाटक वगैरह माल जाते हैं जी। बढ़िया दोस्तों, तो ये होलसेल का वीडियो होने वाला है। अगर आपको रिटेल फ्रेंचाइजी डालनी है तो भी भाई के पास आके आप बात कर सकते हो। रिटेल का परचेसिंग करना है तो यहाँ पर आ जाइए दोस्तों लोकेशन पे। होलसेल का परचेसिंग करना है तो दोस्तों वो भी हो जाएगा। सब बोलते हैं ना एक वन स्टॉप सोल्यूशन है दोस्तों पूरा है पर पुणे में। ये लोकेशन क्या है सर जी? एग्जैक्ट हड़पसर महादेव नगर मांझी रोड, अन्ना साहेब मगर कॉलेज के सामने, चौरंग बिल्डिंग का नाम है जी। परफेक्ट,
बढ़िया। तो दोस्तों अभी मैं आपको ना पूरा यहाँ का भाई का पूरा ये आउटलेट दिखा देता हूँ, एक बार पूरा आउटलेट देख लीजिए और वैरायटीज दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हो सर, ये अपना फर्स्ट क्या रिटेल आउटलेट है? फर्स्ट मेरा रिटेल आउटलेट है। यहाँ पे खाली शर्ट और जींस के वैरायटी है। ओके, मैंने सब शॉप अलग अलग किए क्योंकि उसमें वैरायटी ज्यादा हो सकती है, वैरायटी ज्यादा बैठ सकती है, इसकी वजह से सब जो सेक्शन है अलग अलग। ओके, तो इसके बाद फिर ये तो अपना एक काउंटर हो गया, ठीक है। अभी इधर खाली शर्ट और जींस, अभी इसके बाद हम लेडीज के आउटलेट पे जाएंगे। लेडीज आउटलेट आ गया ना। तो सर जी अभी कहाँ पे जाएंगे हम? अभी हम लेडीज के शॉप पे जाएंगे। लेडीज के शॉप आ गया ना जी। अभी लेडीज का है, लेडीज की कुर्तीज, जींस, चप्पल, सैंडल, बेली शूज, जो भी वैरायटी है, पर्स वगैरह। इधर आप लोग देख सकते हो ये पूरा लेडीज का काउंटर है, लेडीज रिटेल का है। लेडीज रिटेल का काउंटर है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। और इधर किड्स वेयर का है, मतलब पूरी फैमिली अंदर आती है, तो बच्चे से लेके बड़े तक कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। बढ़िया बढ़िया। अभी इधर ओनली किड्स वेयर का है, इधर किड्स वेयर के जो फैंसी जो ट्रेंडिंग में शर्ट रहते हैं वो सब इधर मिलते हैं। दोस्तों मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा, भाई ये भी दिखा देना सर का शॉप, ये पूरा किड्स वेयर का दोस्तों, इस तरीके से जो भी ट्रेंडिंग रिटेल का सारा आउटलेट रहता है। मतलब ये कैसा है पता, अपना एक ये हब हो गया, हब हो गया, ठीक है। क्लोथिंग अगर एक बार यहाँ पर आता है तो बंदा सब कुछ लेके जाता है, पूरा लेके। सही है, सही है। अभी हेड ऑफिस है इधर, अगर लोग फ्रेंचाइज के लिए जाते हैं, ब्रांच के लिए जाते हैं ना, तो इधर ये अपना हेड ऑफिस है। हेड ऑफिस है, सही है। तो फ्रेंचाइजी भी देते हैं क्या? यस, फ्रेंचाइज भी देते हैं। अभी मेरे 40 फ्रेंचाइज कंप्लीट हो गए और 6 फ्रेंचाइज का काम, फ्रेंचाइज का काम मेरा चालू है। बढ़िया बढ़िया, मतलब बोलते हैं ना आपको लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं। सही है। तो ये क्या है सर? ये मेरा मेन सब, इधर ओनली ट्रैक पैंट, जैकेट, एक्सेसरीज वगैरह इसका काउंटर है। इधर पूरी वैरायटीज रहती है, ये रिटेल का दोस्तों सर का देख सकते हो। रश भी दोस्तों काफी अच्छी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दूर दूर से। सैटरडे संडे को एक्चुअली कस्टमर वेटिंग पे रहते हैं, आधा आधा घंटे वेटिंग पे रुकते हैं। सही है, मतलब ये कैसे अपना ही सब मैन्युफैक्चरिंग है, तो कैसे अपन अच्छे रेट्स में दे पाते रहेंगे ना, इसीलिए इतना लोग आते हैं। सही है। तो दोस्तों ये देख सकते हो अभी सर अपना होलसेल काउंटर कहां पर है? होलसेल काउंटर पे आ गए। रिटेल का आपको शूज का काउंटर दिखाता हूं मैं। अच्छा। इधर खाली शूज, चप्पल नहीं क्या? तो सर जी अभी यहां पर क्या है? यहाँ पे ओनली लोफर, चप्पल, फ्लिप फ्लॉप, स्पोर्ट्स शूज वगैरह यहाँ पे रखते हैं। ये पूरे सेक्शन अलग अलग के है क्योंकि वैरायटी ज्यादा रख सकते हैं हम जी। और कस्टमर को जगह ज्यादा मिलती है। नहीं, बढ़िया है ना सर, अलग अलग वैरायटी से तो कैसे अपने हिसाब से देख भी पाते हैं ना। पूरी फैमिली अंदर आती है ना कुछ लेके जाएंगे। अच्छा, बढ़िया। और ये क्या है सर यहाँ पे? यहाँ पे होलसेल का है, इधर खाली होलसेल के हम शाम पर रखते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे होलसेल के शाम पर रखते हैं। दुकानदार जब आते हैं ना, हाँ, तो इधर वैरायटीज देखते हैं। अच्छा। सैंपल निकलते हैं, फोटो खींच के, फिर ऊपर एक गोडाउन है बड़ा, उधर हम जाएंगे, उधर से माल निकल के लाते हैं। तो ये सारा अभी स्टॉक मतलब जा रहा है क्या मेरे? हाँ, ये माल जा रहे हैं बाहर आते। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पूरी वैरायटी जा रही है और काफी अच्छा सेटअप किया हुआ है सर अभी आपने यहाँ पर। सही है, बढ़िया। तो अभी ऊपर गोडाउन में जाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से पूरा यहाँ पर काम चल रहा है और स्टॉक वगैरह। दोस्तों ये सैंपलिंग सेक्शन है ना, ठीक है दोस्तों, मैक्स होलसेलर, ये होलसेल का अपना सैंपलिंग सेक्शन है। तो सर जी क्या वैरायटीज दिखा रहे हो अभी? सबसे पहले मैं आपको शेड्स का दिखाता हूँ, जो शेड्स ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है, ट्रेंडिंग का माल वो मैं आपको दिखाता हूँ। ज्यादा तो माल मैं सब मेरे फैक्ट्री से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा लेबल है खुद का, शिवराया। अच्छा। हाँ, शिवराया बाय मैक्स, ये मेरा खुद का लेबल है। अब ये दिखाएंगे तो ये 12 महीने प्रिंट चलते हैं। अच्छा। उसको रिक्वायरमेंट 12 महीने रहते हैं क्योंकि सोबर प्रिंट है और लाइक्रा में। लाइक्रा में क्या? यस, ओके, डॉबी लाइक्रा में। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रशर चेक्स है, ये देखिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, ब्रशिंग चेक्स है। हाँ, ब्रशिंग चेक्स है, दिखा देना दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं। डबल पॉकेट का दोस्तों ये ब्रशिंग चेक्स है, काफी अच्छा है पैटर्न, मतलब काफी अच्छा है। और इसके जो साइज है ना वो एकदम स्टैंडर्ड है, एम, एल, एक्सएल, डबल एक्सएल तक, मतलब एम का एम में बैठेगा, एल का एल बैठेंगे, एकदम प्रॉपर, एकदम फर्मा प्रॉपर है। अभी दोस्तों पेपर खादी में तो बहुत रिक्वायरमेंट सुना है, शादी में लोग ज्यादा तो पेपर खादी रिक्वायरमेंट है, और उसमें व्हाइट स्पेशल, अभी व्हाइट स्पेशल का भी माल मेरा बन रहा है फैक्ट्री में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हाफ में पेपर खादी, ये बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और ये आप वॉश करेंगे तो ये इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा जाड़े। अच्छा, जाड़ा है, फैब्रिक थोड़ा सा थिक फैब्रिक है। ओके, थिक फैब्रिक है, तो इसको कुछ वॉश करते हो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ भी कंप्लीट नहीं है पेपर खादी में। अच्छा, बढ़िया। और इसके बाद में आपको पैटर्न में जो ट्रेंडिंग में माल चल रहा है अभी, पैटर्न वगैरह मांग रहे हैं लोग। अच्छा दोस्तों, ये जो वैरायटीज दिखा रहे हैं ना सर, एक ही वैरायटीज इसलिए दिखा रहे हैं कि हर इसमें मतलब 50-60 अलग अलग सैंपल्स है, सब कवर नहीं हो पाएगा, 12-12 कलर से। अच्छा, सब कवर नहीं हो पाएगा दोस्तों, इसके लिए मतलब एक एक वैरायटी दिखा रहे हैं कि ये टाइप का अपना स्टॉक है। और एक ऐसा है कि डेली स्टॉक नया आता है। हाँ। अभी जब मैं इंस्टा पे वीडियो डालता ना, तो 2 या 3 दिन में। अच्छा। रिक्वायरमेंट एवढे असते ना महाराष्ट्राच्या जेव्हा आपण इंस्टाला किंवा व्हॉट्सअपला आमचे ब्रॉडकास्ट आहेत, कमीत कमी 2,000 ते 8,000 काउंटर आपल्याकडे होलसेलचे आहेत। काय बोलतो? हा, ज्यावेळेस आपण फोटो टाकतो ना, त्यावेळेस ऑन द स्पॉट 5 ते 10 मिनिटात माल बुक होतो। ओके। हा, तर काय होतं, म्हणजे डेली 2-3 दिन में, मतलब दो दिन में नया स्टॉक आता है। ओके। हा, डेली उधर फैब्रिक, अभी कुछ आज मशीन पे प्रेसिंग को जाता है, कुछ बटन काजे बटन करते, तो आज नया माल आता है,
निकलना है। वैरायटी अपडेट होते रहता है दोस्तों, ये जो चीज दिखा रहे हैं ना, एक से आप टेस्ट समझ लीजिए कि वैरायटी इस टाइप का होता है सर के पास। अभी ये पेपर बोटा, इसको भी अभी ये जाकड़ पत्ता में आता है, जाकड़ में आता है पेपर जाकड़। देखो पेपर जैकेट दोस्तों, ये जो पॉलिटिकल लोग वगैरह रहते ना, ये बहुत सारे यूज करते हैं, मतलब जो हाई क्लास है पूरा अच्छे से बहुत यूज करते हैं। सर जी ये क्वेश्चन था वे व्यूअर्स का कि रेंज क्या रहेगा, अगर शर्ट्स की प्राइस रेंज में पूछूं कहां से कहां तक है अपने पास? अगर मेरे पास आपके सेट की रेंज देखिए 290 से 400 तक है। ओके मतलब ओवरऑल जो ग्रामीण भाग से लोग आते हैं उनको भी पड़ता है, मतलब जो आगे सेल करने जाते हैं उनको प्रॉफिट रेशियो अच्छा रहता है मेरे पास। और प्लस इतना ये रेंज रहे कि भी माल का कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, कलर का प्रॉब्लम नहीं आता, साइज का प्रॉब्लम नहीं आता, एकदम परफेक्ट माल रहता है, माल क्लीन है, एकदम क्लीन माल रहता है और फ्रेश। मतलब अभी डिजिटल प्रिंट ज्यादा आया था, अभी इस टाइम दिवाली में पूरा कर मचा दिया था ये डिजिटल प्रिंट में, पूरा मतलब इतने मांग रहे थे ना लोग डिजिटल प्रिंट। ये तो डिजिटल प्रिंट में बहुत सारी वैरायटी है, इसमें लिनन में आते हैं, डिजिटल में सेटिन में आते हैं, रेयन में कुछ आ जाता है, सब अलग अलग वैरायटीज सब मिलेगा आपको यहां पर। एमएल एक्सएल साइज है, डबल एक्सएल तक है ना सर? डबल एक्सएल तक, कुछ एमएल एक्सएल आता है, कुछ एम डबल आता है, ठीक है। और ये आईएमपी लाइक्रा में आता है। अच्छा, ये आईएमपी लाइक्रा फैब्रिक है, ये मेरे लेबल से शिवराय के लेबल से, नहीं का इसमें बहुत सारे कलर से जी, अपने शिवराय के लेबल शिवराय से, इसमें बहुत सारे कलर से 8-9 कलर है इसमें, और कुछ आड़े पट्टे में, कुछ ओबे लाइन खड़े लाइनिंग में, बहुत सारे अलग अलग जी, जो सबको वैरायटीज ना बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसे घुमा दूं ना स्टॉक, तो दोस्तों आप सैंपल्स वगैरह पूरा देख सकते हैं, मतलब ये पूरा ये गोडाउन है दोस्तों, इसके अलावा एक अंदर भी भाई गोडाउन से पूरे, इस तरीके से मैं सब कुछ कवर नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक वैरायटीज आप देख लीजिए सर। ये थोड़ा सा एक सेट निकाल के दिखा देंगे, इस तरीके से पूरा पैकिंग रहता है ना, 3 पीस का पैकिंग है जी। ये देखिए अभी इसमें एमएल एक्सएल साइज है, ये डिजिटल प्रिंट है जी, ये डिजिटल है, ये लिनन डिजिटल प्रिंट है। ओके बढ़िया, सही है, सुपर दोस्तों, वैरायटी ज्यादा है। तो सर ये व्हाट्सएप पर अपडेट्स कैसे जाएंगे अभी अपने अभी लोगों को? जो भी मेरे मतलब कोई नए दुकानदार आते हैं उनका पहला बिल होता है, जब फर्स्ट बिल होता है तब हम ब्रॉडकास्ट में उसको ऐड करते हैं, उनका कार्ड वगैरह वेरीफाई करके उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं, जैसे डेली नए आइटम आते हैं कुछ चीज आते हैं तो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। अच्छा ये तो समझो जो यहाँ पर आया उनका ब्रॉडकास्ट हो गया, अभी जैसे कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है, समझो कोई थोड़ा दूर बैठा है अपने से, तो उनके लिए फिर व्हाट्सएप पर सैंपल्स के लिए व्हाट्सएप पर सैंपल, इनके टाइम नहीं रहता भाई, इतना क्राउड रहता है ना, सैटरडे संडे बहुत रहते हैं, अभी थोड़ा स्लैक चल रहा है इसको कम है, पर इतना सुबह 9-6 बजे लोग जलगांव धुले से आते हैं, क्योंकि रात को ट्रेवल में बैठते हैं ना, सुबह 6 बजे उतरते हैं ना, तो इधर आते हैं, अच्छा तुम टाइम ही नहीं मिलता, तो जितना हो सकता है इंस्टा पे मैं अपडेट डालता हूँ और ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों सर का इंस्टाग्राम पेज है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। क्या नाम है सर? मैक्स होलसेलर, मैक्स होलसेलर, MAAX मैक्स होलसेलर। ओके, और वहाँ पे दोस्तों सारा अपडेट्स होता है होलसेल का भी, तो जो भी अगर आपको चाहिए रिक्वायरमेंट समझ में आ रहा है वहाँ से ऑर्डर कर दीजिए। और बेस्ट ये रहेगा दोस्तों आप यहाँ पर आइए, बिकॉज यहाँ पर आओगे ना दोस्तों बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी है, मतलब ऐसा नहीं कि सर सिर्फ शर्ट लेके बैठे या कुछ जींस लेके बैठे और आपको डील हो, यहाँ पर पूरा वैरायटीज है। और दोस्तों आपको दिखा भी दूंगा मैं बाद में कि रश दोस्तों कितना होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, तो कैसे रहेगा आप यहाँ पर आओगे तो वही अच्छा रहेगा प्रॉपर सबके लिए। तो सर क्या दिखा रहे थे वैरायटी? अभी मैं आपको जींस दिखाता हूँ, ये जींस मैं खुद बनाता हूँ, ये देखिए ये मेरा ब्रांड है जींस का, मेक चॉइस, ओके बाय मैक्स है सर। इसको हम पूरे कलर की वॉश की वारंटी देते हैं, 3 वॉश के कलर की वारंटी देते हैं, अगर 3 वॉश के अंदर उनका कलर जाता है तो हम पीस टू पीस रिप्लेस लगा के देते हैं। क्या बात है, बढ़िया सर, और क्या चाहिए? इसमें साइज और साइज आते हैं, इसमें टोन में नहीं का, उसमें कलर भी जो आइस कलर है एकदम प्रीमियम कलर है कलर सर। क्या साइज बनाते सर इसका? इसमें अभी जो रेगुलर साइज है 28, 30, 32, 34, 36 836 और ओवर साइज में आता है 38, 40, 42 तक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसमें कलर भी बहुत है, देखेंगे आप कलर। तो अगर मैं जींस की बात करूँ तो जींस में कितने वैरायटीज रहते हैं सर अपने पास? जींस में बहुत वैरायटीज है, बहुत पैटर्न है, अभी दिखा मैं उधर आपको गार्डन में चाहे तो आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारी वैरायटीज है, टोन में नहीं क्या, कलर में, शॉर्ट में, एंकल लेंथ फिटिंग में आते हैं। अच्छा सब, मतलब जितना भी टेस्ट चाहिए रिटेल के लिए उतना सब मिल जाएगा। अच्छा इसके बाद क्या दिखा रहे सर? इसके बाद आपको आर्मिन दिखा दो, ये देखिए अभी आर्मिन जो आते हैं ट्विल बर्बरी नहीं क्या, ये तो मेरे पास ट्विल और बर्बरी में ज्यादा रखता हूँ। अच्छा। ओके, क्योंकि उसको बबल्स के वगैरह कम चांसेस रहते हैं। जी, जी, अभी तक तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम आया नहीं रिटेल काउंटर पे। ये देखिए इसकी साइज जो रहती है 28-36 तक रहती है, इसमें ओवर साइज भी बनाते हैं 38-40-42 तक। बढ़िया, ओके ये हो गए। और उसके बाद आती है पॉपकॉर्न आर्मनी, ओके ये पॉपकॉर्न बहुत डिमांड में चल रहा है, डिमांड में चल रहा है पॉपकॉर्न आर्मनी, ये भी इसके भी सेम साइज चार्ट है। अच्छा कितने कलर्स है सर इसमें? इसमें 12 कलर आते हैं, 12, तो अपने हिसाब से ले सकते हैं ना, जो हाँ, ले सकते, ले सकते, 4-5 कलर नहीं, 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 हाँ, ले सकते। बढ़िया, तो सर जी ये क्या अपना जींस वाला गोडाउन है? हाँ अभी इधर जींस के सैंपल वगैरह रहते हैं। हाँ, हाँ, कुछ ऊपर भी माल रहते हैं क्या, जितना मतलब अभी क्या ऊपर 67 आते ना, तो उधर ज्यादा ये नहीं रहते क्राउड में, ऊपर ऊपर दोस्तों सारा और भी स्टॉक सर का काफी अच्छा है। पीछे क्या शूज वगैरह? पीछे शूज चप्पल का वगैरह, उधर पूरा लाइट का इशू है इसकी वजह से। जी जी, और दोस्तों ये देख सकते हैं पूरा इस तरीके से यहाँ पर पूरा सैंपल्स और सारे ऑर्डर्स वगैरह निकले
गिरे पड़े अभी सभी के, और स्टॉक दोस्तों काफी ज्यादा है, और ये एक गोडाउन है सर का, ऐसे और बहुत सारे गोडाउन से एक में हम शूट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा भी रश कम करके शूट कर रहे हैं प्रॉपर। यहाँ पे भी गोडाउन है मेरा, यहाँ पे शर्ट के सैंपलिंग वगैरह रहते हैं, इधर जो दुकानदार आते हैं वो शॉप वाले आते हैं, वो शॉप सिलेक्ट करते हैं और ऊपर से माल हम लाके देते हैं। ओके चलो, ये भी सैंपलिंग है क्या पूरा? ऊपर क्या है सर अपना? आइए ना मैं देखा तो आपको। जी सर, यहाँ पे देखेंगे ये वॉलेट है, ये देखिए ये मैक्स के नाम से आते हैं। अच्छा हाँ, ये पूरा ओरिजिनल लेदर, इतरन लेदर वगैरह आते हैं इसमें। हाँ तो ये सब पूरा अपने लेवल पे, सब मैन्युफैक्चरिंग है अपना पूरा। ये देखिए, ओके बढ़िया। हाँ ये देखिए, ये आपके स्टैंप पे जो मैक्स का आएगा जिसको हम वारंटी देते हैं, ये होलसेल प्लस रिटेल भी करते हैं हम जी। हाँ ओके, और यहाँ पे देखिए बेल्ट, देखिए ये इटालियन लेदर में बेल्ट है। अच्छा ये देखिए मैक्स के लेवल से, यहाँ पे मैक्स का लेवल भी आएगा, क्या आएगा पूरा इटालियन लेदर में। इसमें बहुत सारी वैरायटीज, बहुत सारी साइजेस, सब साइज अवेलेबल। ओके, और ये सब इस तरीके से, ये भी सब होलसेल करते हैं? सब सब सब। ओके, मतलब पूरा वैरायटीज होलसेल करते हैं। बस एक बार यहाँ पर आ जाओ, सॉक्स से लेके जैसे कि आपने बोला कैप तक सब मिल जाएगा अपने पास।